भारत के 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर घाटशिला महाविद्यालय के इस गणतंत्र दिवस समारोह में आयोजित हमारे विश्वविद्यालय के माननीय सीनेट सदस्य, सिंडिकेट सदस्य, सभी महाविद्यालय के शिक्षकगण, शिक्षेत्तर कर्मचारीगण तथा प्यारे छात्रों, सर्वप्रथम मैं घाटशिला महाविद्यालय परिवार की ओर से अपने देश के इस 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। देश हमारा भले ही 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन हमें लिखित आज़ादी, वैधानिक आज़ादी 26 जनवरी 1950 को मिला था। तब जब देश में भारतीय संविधान विधिवत लागू हुआ और उस दिन का आज 75वां वर्षगांठ है, जिसे हम लोग राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं और अपने तिरंगा को लहराते हैं, फहराते हैं और उनके प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हैं कि हम भी उन बलिदानों को याद करें, उन अवदानियों को याद करें जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर करके अपनी देश की आज़ादी के लिए मर मिटे, जिनके वजह से हम लोग आज इतने सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपने राष्ट्र को याद करते हैं, अपनी खुशी को व्यक्त करते हैं और अपनी आज़ादी को एहसास करते हैं। आज बहुत सारा कार्यक्रम इस महाविद्यालय में आयोजित था। हमारे महाविद्यालय के सभी छात्र छात्राओं ने कल से ही बहुत तैयारी कर रखी थी, लेकिन एक व्यवधान की वजह से सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया गया और आज हम लोग पुनः एक बार अपने राष्ट्र के इस पुनीत अवसर पर अपने तिरंगा झंडा को सलाम करेंगे, उन्हें हम लोग स्मरण करेंगे और अपने विकसित भारत के का जो जो सपना है उस आधार पर हम अपने महाविद्यालय के विकास में तन मन धन से सहयोग करेंगे। एक बार पुनः आप सबों को 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। बस, धन्यवाद।